भगवान कृष्ण की द्वारिका समुद्र में क्यों डूब गई, क्यों जलमग्न हो गई? इसके वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। महाभारत में आता है, जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, पांडव के बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन गए, तो भगवान कृष्ण ने विदा लेने के लिए हस्तिनापुर से गंधारी से मिलने गए। भगवान कृष्ण को देख करके गंधारी को क्रोध हो गया और भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया गंधारी ने। गंधारी ने कहा, जिस तरह हमारे 100 पुत्रों का और कुरु वंश का नाश हुआ है, उसी तरह हे कृष्ण, तुम्हारे जदुवंशियों का भी नाश हो जाएगा। दूसरा कथा आता है, भगवान जब द्वारिका में थे तो उनसे मिलने के लिए महर्षि विश्वामित्र, महर्षि नारद और ऋषिगण द्वारिका आए, पर वहां के जो जादव राजकुमार थे और कृष्ण का पुत्र श्याम ने ऋषियों के साथ एक मजाक किया। कृष्ण के पुत्र श्याम को साड़ी पहना करके, नारी का वेश बना करके ऋषियों के सामने और जादव कुमार ने प्रेजेंट किया और ऋषियों से पूछा कि ऋषिगण आप बताइए कि इस स्त्री के गर्भ में क्या बेटा है या बेटी है, आप हमें बताइए। ऋषि लोग अंतर्यामी थे, वो लोग समझ गए कि ये राजकुमार जादव कुमार हमसे मजाक कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। वो सारे ऋषिगण क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिए कृष्ण पुत्र श्याम को कि ना पुत्र होगा ना पुत्री होगा, इससे एक मुसल पैदा होगा और यही मुसल सारे जदुवंशियों का नाश करेगा। जब ये बात राजा उग्रसेन को मालूम हुआ, वो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने उस मुसल को जो शाम से पैदा हुआ था समुद्र में फेंकवा दिए, पर श्राप, ऋषियों का श्राप तो भगवान भी नहीं टालते, वही मुसल सरकंडे बन करके समुद्र में खड़े हो गए। जब भगवान कृष्ण को मालूम हुआ कि ऋषियों का श्राप, गंधारी का श्राप अटल है, तो सारे यदुवंशियों को उन्होंने तीर्थ क्षेत्र प्रभास में भेज दिए। वहां पर जाकर के किसी बात लेकर करके यदुवंशियों में आपस में लड़ाई हो गई और वही सरकंडे उखाड़ उखाड़ करके, एक सरकंडे उखाड़े तो वो मुसल बन जाए और सारे जदुवंशियों का नाश हो गया। जब भगवान कृष्ण को ये मालूम पड़ा कि हमारा पुत्र प्रद्युम्न अनिरुद्ध सारे जदुवंशियों का नाश हो गया है आपस में लड़ करके, वो बलराम जी के पास गए। बलराम जी ध्यानमग्न थे और बलराम जी ने भी, वो शेषनाग के अवतार थे, वो भी अपना शरीर छोड़ करके अपने धाम में गए। और इसके बाद भगवान कृष्ण ने भी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पहले तो उन्होंने एक दूत भेज करके हस्तिनापुर में अर्जुन को बुलाए। अर्जुन आया और सारे यदुवंशियों का मरणोपरांत दाह संस्कार किए और भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एक बहिल नाम कर का शिकारी ने भगवान के पैर में बाण मारे और भगवान भी परम धाम को चले गए। अर्जुन ने सारे यदुवंशियों का दाह संस्कार किए, भगवान कृष्ण का दाह संस्कार किए और उन्होंने सारे स्त्रियों को लेकर के हस्तिनापुर आ गए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि मेरे जाते ही
ये द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने समुद्र से ये नगरी को उधार लिए थे और हमारे जाने से ये नगरी फिर से समुद्र में विलीन जाएगी, वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं था, ऐसा हमारे पुराणों में आता है। तो इस तीन कारणों से भगवान की बनाई हुई द्वारिका समुद्र में डूब गई या जलमग्न हो गई। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।